Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. कनेडियन वजीर आजम का 2025 तक इक्तदार में रहने का मुआहदा, NDP वजीर आजम का साथ देने के लिए राजी। ट्रूडो का कहना था कि इस मुआहदे से कनेडा की सियासत में इस्तेकाम आएगा। कनेडा यूक्रेन में तनाज़े को बढ़ावा दे रहा है। कनेडियन सियासी कारकुन की कनेडियन वजीर खारजा की तकरीर में मुदाखलत। सियासी कारकुन का कहना था कि आप हमें तीसरी जंग अजीम की तरफ धकेल देंगे। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से GTA के लिए खसूसी मौसमी बयान जारी। यॉर्क डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने तमाम क्लासें मनसूख कर दी। शहर में 20 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। रूस के यूक्रेन के शहरियों पर हमले जारी। मारियोपोल में तबाही फैल गई। रूसी हुकाम का कहना है कि रूस के वजूद को खतरा लाहिक हुआ तो एटमी हथियार का इस्तेमाल होगा। पेंटागन का कहना है कि रूस का जौहरी हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल पर बयान खतरनाक है। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तलब और कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. अब अगला मैसेज आपके कार और होम इंश्योरेंस में भारी बचत का। क्या आपके घर या कार के इंश्योरेंस का रिन्यूअल ड्यू है और आपको तलाश है सही कवरेज के साथ साथ अच्छे रेट्स की, तो आज ही कॉल करें ऑल स्टेट के रवि को और पाएं रेट्स में बचत और बेहतरीन सर्विसेज। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू में सर्विसेज देते हैं। कॉल रवि टुडे 6474929236 6474929236। यू आर इन गुड हैंड्स with Allstate. Welcome back. कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने 2025 तक इक्तदार में रहने का मुआहदा कर लिया। NDP रहनुमा जगमीत सिंह का कहना है कि उनकी पार्टी मुआहदे के हिस्से के तौर पर लिबरल हुकूमत को अपने वादों पर कायम रखेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने 2025 तक इक्तदार में रहने का मुआहदा कर लिया। बाएं तरफ झुकाव रखने वाली NDP अहम पॉलिसियों को आगे बढ़ाने के बदले वजीर आजम की लिबरल अखिलती हुकूमत को सहारा देने पर राजी है। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल्स ने 2025 तक अपनी अखिलती हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए बाएं बाजू की तरफ झुकाव रखने वाली ओपोजिशन पार्टी के साथ एक मुआहदा किया है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया, कम आमदनी वाले खानदानों के लिए दांतों की देखभाल के प्रोग्राम समेत मुतादित मसाइल को आगे बढ़ाने का वादा किया है। सहाफियों से बात करते हुए ट्रूडो ने कहा कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ सप्लाई और एतमाद का मुआहदा कनाडा की सियासत में इस्तेहकाम लाएगा। इस मुआहदे से लिबरल पार्टी की हुकूमत को 338 निशस्तों वाले हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 184 वोट मिलते हैं, जिसकी अक्सरियत 170 सीटों पर मुश्तमिल है, और पूरे 4 साल की मुद्दत के लिए इक्तदार में रहने की सलाहियत NDP बजट और एतमाद के वोट पर इसकी हिमायत करने पर राजी है। ट्रूडो ने कहा, इसका मतलब ये है कि इस गैर यकीनी वक्त के दौरान हुकूमत पेशन गोई और इस्तेहकाम के साथ काम कर सकती है, बजट पेश कर सकती है और लागू कर सकती है और कैनेडियंस के लिए काम कर सकती है। दोनों जमातों ने कलीदी पॉलिसी के शोबों की निशानदेही की है, जहाँ हम एक जैसे मकासद का इश्तराक करते हैं और हमने कनाडा के लोगों की ज़रूरियात और मफादात को पहले रखने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया है। NDP रहनुमा जगमीत सिंह का कहना है कि उनकी पार्टी मुआहदे के हिस्से के तौर पर लिबरल हुकूमत को अपने वादों पर कायम रखेगी और हम लिबरल हुकूमत को खुद से दूर नहीं होने देंगे। हम लोगों के लिए सख्त जद्दोजहद जारी रखेंगे और इस बात को यकीनी बनाते रहेंगे कि हम इन चीज़ों की फराहमी के लिए उनका मुहासबा करें जिनकी लोगों को ज़रूरत है। कनाडा के एक सियासी कारकुन और मुसन्निफ ने अपनी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रूस यूक्रेन तनाज़े को बढ़ावा दे रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा के एक सियासी कारकुन और मुसन्निफ ने अपनी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रूसी यूक्रेनी तनाज़े को बढ़ावा दे रहे हैं।
सियासी कारकुन ईव एंगलर ने मॉन्ट्रियल काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन में कनाडा की वजीर खारजा मेलानिया जूली की तकरीर में खलल डाला और वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। उन्होंने ओटावा के हुक्काम पर इल्ज़ाम लगाया कि वो रूसी यूक्रेनी तनाज़े को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कैनेडियन वजीर खारजा को मुखातिब करते हुए कहा कि जंग को बढ़ाना बंद करो, यूक्रेन को हथियार भेजना बंद करो, आप हमें तीसरी जंग अजीम की तरफ धकेल देंगे। कैनेडा दीगर मगरबी ममालिक की तरह यूक्रेन को भी बहुत से फौजी साजो सामान फराहम करता है जिसमें मिज़ाइल और ग्रेनेड भी शामिल है। मुसन्निफ ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इसे तीसरी आलमी जंग के खिलाफ खबरदार कर रहे हैं। एंगलर ने कहा कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करो, सिक्योरिटी गार्ड्स ने इसे हिरासत में लेने से पहले वहां से चले गए। एंगलर ने 12 किताबें लिखी हैं और वो उन बायकॉट और पाबंदियों की मुहिम की भरपूर हिमायत करते हैं जो फलस्तीन पर इसराइल के कब्जे के खिलाफ एहतजाज करते हैं। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से GTA के लिए खसूसी मौसमी बयान जारी किया गया है जिसमें गैर मामूली बारिशों की तवक्को है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से GTA के लिए खसूसी मौसमी बयान जारी किया गया है जिसमें गैर मामूली बारिशों की तवक्को है और जमने वाली बारिश और हवाओं का ख़तरा है। ख़ास तौर पर शहर के शमाल मगरब के इलाकों के लिए लोगों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया। कुछ स्कूल बोर्ड्स ने बसें मनसूख कर दी हैं और यार्क डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने तमाम क्लासें मनसूख कर दी हैं। माहौलियात कनाडा ने ड्राइवर्स को ख़बरदार किया है कि जमने वाली बारिश बर्फीली सतहों का बायस बन सकती है और 20 मिलीमीटर तक बारिश का नतीजा कुछ जगहों पर पानी खड़ा हो सकता है, जबकि 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का भी इम्कान है। शहर के मगरब के इलाकों जैसे हॉल्टन हिल्स, मिल्टन और हेमिल्टन में मुंजमद बारिश की वार्निंग है और झील से दूर सर्द इलाकों में 8 मिलीमीटर तक बर्फ का इजाफा हो सकता है। यार्क रीजन डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड का कहना है कि वो तमाम बसें मनसूख कर देंगे और स्कूल दिन भर के लिए बंद रहेंगे। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा है कि रूस एटमी हथियार सिर्फ इस सूरत में इस्तेमाल करेगा जब उसके वजूद को खतरा लाहिक होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा है कि रूस एटमी हथियार सिर्फ इस सूरत में इस्तेमाल करेगा जब उसके वजूद को खतरा लाहक होगा। CNN को इंटरव्यू में तर्जुमान क्रेमलिन दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि जौहरी हथियारों के इस्तेमाल से मुतालिक तमाम वजूहात आप पढ़ सकते हैं कि ये कब और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। तर्जुमान ने कहा कि इसलिए अगर रूस के वजूद को ख़तरा लाहक हुआ तो फिर हम सूरत हाल के मुताबिक अपने एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। गुज़िश्ता माह रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया था। रूस की वजारत दिफा ने 28 फरवरी को कहा था कि न्यूक्लियर मिज़ाइल फोर्सेस एंड नॉर्दर्न एंड पैसिफिक बेड़े को बेहतर जंगी ड्यूटी पर लगा दिया गया है। रूस के यूक्रेन के शहरों पर हमले जारी हैं। मारीपोल में हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनासिर हैं। सदर बाइडन ने कहा है कि रूस ने जंग ख़त्म ना की तो पुतिन को दीवार से लगा देंगे। रूसी फोर्सेस की यूक्रेन के शहरों पर बमबारी का सिलसिला जारी है। शहर मारीपोल में कब्जे के लिए घमसान की लड़ाई के सबब हर तरफ तबाही के मनासिर हैं। रूसी फोर्सेस की कीव, शर्नीव और दीगर शहरों में भी शदीद गोलाबारी जारी है। यूक्रेनी फोर्सेस ने कीव का एक नवाही इलाका वापस लेने का दावा किया है, जबकि रूस का कहना है कि ऑपरेशन प्लान के मुताबिक जारी रहेगा। नेटो का हंगामी सरबराह इजलास कल ब्रसेल्स में होगा। अमेरिका ने मशरकी यूरोप में मजीद फौज और रूस में नई पाबंदियों की तैयारी कर ली। सदर बाइडन ने कहा है कि रूस बाज न आया तो पुतिन को दीवार से लगा देंगे। यूक्रेन जंग तवालत इख्तियार करने पर जौहरी हथियारों पर भी बात शुरू हो गई है। तर्जुमान क्रेमलिन दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस इसी सूरत जौहरी हथियार इस्तेमाल करेगा अगर उसके वजूद को ख़तरा हो। पेंटागन तर्जुमान जॉन किर्बी ने रद्द अमल में कहा है कि रूस का जौहरी हथियारों के मुमकिन इस्तेमाल पर बयान खतरनाक है। अमेरिका ने अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिससे इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें स्ट्रेटजिक डिटरमेंट पोजिशन तब्दील करने की ज़रूरत है। यूक्रेन की सूरत हाल को रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर कर रहे हैं। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है और एक माह के दौरान पेट्रोल 60 सेंट से ज़ायद महंगा होकर तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका में पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है और एक माह के दौरान पेट्रोल 60 सेंट से ज़ायद महंगा होकर तारीख की बुलंदतरीन सतह पर पहुँच गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका में फ़ी गैलन पेट्रोल की कीमत $4
63 सेंट तक पहुँच गई है। पेट्रोल महंगा होने की वजह कोरोना में कमी के बाद मौशी सरगर्मियों में तेजी। रूस और यूक्रेन जंग और अमरीका में तेल की लाइन के एक बड़े माहदे की मनसूखी बताई जा रही है। अमरीकी रियासत एलिनॉय के शहर शिकागो में अमरीकी ताजर ने $2,00,000 यानी 3 करोड़ रुपए से जायद का पेट्रोल मुफ्त आवाम को देने का ऐलान कर दिया। ऐलान के तहत शहर के 50 स्टेशन पर कोई भी शख्स $50 तक का पेट्रोल हासिल कर सकता था। ऐलान होते ही स्टेशन पर फ्री पेट्रोल भरवाने वालों का हुजूम उमड़ आया। गाड़ियों की कतारें लगने से अतराफ की सड़कें बंद हो गईं। दूसरी जाने पेट्रोल की कीमतों में होशरबा इजाफे के बाइस इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तलब और कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। टैग टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कनाडा एंड अराउंड द ग्लोब। Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAG TV.